गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो भाई आज थोड़ा लेट उठा हूँ मैं, क्योंकि मैं कल रात को लेट सोया था। क्योंकि यार एक ना सोने का टाइम होता है कि अगर उसके बाद तुम सोते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। फ्रेश वगैरह होके फिर मैं टू डू लिस्ट बनाने बैठ गया, जिसमें मेरा कैलकुलेशन 50 15 एडिशन 15 मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब परसेंटेज सब्ट्रैक्शन पाइथागोरस ट्रिपलेट 100 से 200 रिवीजन करने हैं मेरे को, और थर्ड डे मेरा एवरेज का 50 क्वेश्चंस करने हैं मेरे को एवरेज के, 5 क्वेश्चन करने हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस CISI डिस्काउंट रेशियो, इंग्लिश की 50 मिनट की रीडिंग, फिर कंजक्शन चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है नीतू मैम से, और रीजनिंग मेरे को आज शिलोंग कंप्लीट करनी है। तो यही है मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो फिर इसके बाद फिर मैं बैठ गया अपना नीतू मैम का मतलब वो लेने लेक्चर मतलब रिवीजन करने। तो ये रिवीजन कर रहा हूँ मैं। और भाई एक चीज़ है, देख लो, तुम बोलते थे भाई नीतू मैम का बैच, भाई ये रहा नीतू मैम का बैच, ये ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती इसमें, फीचर है भाई। फिर पूजा वगैरह करा मैंने, नहा धो के तो भाई पूजा में मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बेस्ट लगती है मेरे को, ठीक है। फिर उसका मैंने शेक बनाया था, बनाना शेक मेरा मतलब डाइट वाला शेक होता है ना जिम वालों के लिए, वो फिर करके मैं निकल गया लाइब्रेरी के लिए। और भाई आज थोड़ा ठंड हो रही है बहुत, कोहरा भी इतनी एकदम से आ गया, मतलब दिल्ली में होता नहीं ऐसा कोहरा, और मतलब ऐसा था 2 3 दिन से हवा चल रही थी, ठंड नहीं हो रही थी, मगर आज ठंड भी है कोहरा भी है हवा भी नहीं है। फिर लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी आके फिर मैंने सबसे पहले किया कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस ऐप है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, 3 4 चीज़ें आप यूज़फुल वो देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर ये स्क्वायर एंड क्यूब्स मैंने लर्न करे, लर्न तो मुझे है रिवीजन करे, और इसका भी एक ऐप है प्रैक्टिस ऐप, तो वो आप मेरे ना टेलीग्राम चैनल से लिस्ट पर मतलब परचेज बोल रहा हूँ सॉरी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। फिर इसके बाद फिर मैंने ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये भी मैंने अपने डायरी के पीछे लिख रखा है। तो फिर ये मैंने सबसे पहले फिर ये मैंने किया याद। और भाई ट्रिपलेट में ट्रिक होती है, तो भाई वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, आप ना यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, और बेस्ट ट्रिक होती है वो। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब वो कैप करी जो मतलब 100 से 200 के बीच में मतलब रिवीजन करनी थी, तो ये बुक है। तो भाई अब पूछो किस बुक से करते हो, तो भाई मैं किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, तो उस बुक से करता हूँ, क्योंकि भाई बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई किस बुक से कर रहे हो ये तो बता ही नहीं रहे आप। फिर भाई मैं बस टाइम बचा था और भूख भी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी शिलोंग। तो भाई मेरे को आज शिलोंग कंप्लीट करना है, मेरे पास करीब 150 क्वेश्चन है, तो भाई अब टाइम भी था, तो फिर मैंने ये शिलोंग लगाया और फिर मैं निकल गया घर के लिए खाना खाने, क्योंकि 1:30 बज गया था, और फिर मैं सोचा कि भूख तो लगेगी नहीं इसलिए अभी चल लेते हैं, अभी खा लेते हैं। और देख रहे हो रोड की हालत, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का हो रहा था हमारे यहाँ पे रोड का पे, और फिर ऊपर से बारिश भी हो गई, 2 दिन से बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो ऐसी हालत हो गई। और हमारे यहाँ ना जो सेकेंडरी गवर्नमेंट का स्कूल है ना उसकी छुट्टी हो गई है, तो वही बच्चे जा रहे हैं। फिर घर पे आया तो मेरे को मिला चने की दाल, आलू भुजिया, आलू की सब्जी, सलाद, चावल, रोटी। तो फिर इसके बाद मैं घर आ फिर घर तो था ही मैं, मतलब फिर मैंने अपनी बहन के लिए शू ऑर्डर किया था, तो ये मैंने उस दिया है उसको, तो ये भी अच्छा शू था, रेड टेप का था शू। फिर उसके बाद फिर मैं निकल गया लाइब्रेरी के लिए वापस। और मैंने यहाँ हमारे यहाँ पे ना ये एक प्लॉट है खाली, तो यहाँ पे ना बच्चे कंचे खेलते हैं, और मैंने आज देखा तो उन बच्चों के साथ ना मतलब जहाँ पे दुकान वगैरह वाले जो लोग होते हैं आदमी लोग वो भी खेल रहे थे, मतलब अपना चाइल्डहुड टाइम को मिस कर रहे होंगे। तो ऐसा फिर मैं लाइब्रेरी आ गया, और भाई मतलब लाइब्रेरी में ना अब बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कि ना क्रेज़ दोबारा आ रहा है। मेरे को लग रहा था ना कि SSC ने मतलब कर दिया है कि कहाँ शिफ्ट कर दिया है टाइम, 10 महीने है, तो शायद बच्चे नहीं हो, भाई बच्चे ऐड हो रहे हैं अब, वो सोच रहे हैं 10 महीने ही हैं, वही बच्चे हैं जो सोच रहे हैं 10 महीने ही हैं हम पे। फिर शिलोंग मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया अपना, मेरे क्वेश्चन बचे थे करीब मतलब ऐसे बचे होंगे 60 70 क्वेश्चन मेरे ऑलमोस्ट बचे थे, तो फिर उनको कंप्लीट करा। तो फिर उसके बाद मैंने
कंजक्शन स्टार्ट किया तो देख लो भाई, शिलोंग तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं लास्ट में, दिखाई देता हूँ तुम्हें, देख लो ठीक है। शिलोंग ही पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने कंजक्शन पढ़ा, तो कंजक्शन मेरे पास नीतू मैम की बुक है, तो नीतू मैम की बुक से फिर मैंने कंजक्शन कंप्लीट करा आज। कंप्लीट तो मतलब था, रिवीजन किया, क्वेश्चंस लगाए जो भी उसमें क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर। फिर मैं छत पे आ गया, तो भाई आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, सुबह धुंध हो रही थी, शाम को धूप हो गई भाई एकदम से पता नहीं, और भाई इतना मस्त मौसम हो रहा था शाम को, मतलब धूप चल चलाती धूप, पता है क्या होता है वो चिल चिलाती धूप का मौसम आया, मतलब वो मौसम तो नहीं है, मगर मौसम अच्छा है। तो देखो रोड की कंडीशन ये रही, और तो मेरा होता है लाइब्रेरी के सामने है, नहीं भाई पूरी रोड की हालत ऐसी कर रखी है, पूरी रोड की बैंड बजा रखी है इन्होंने। फिर मैंने उसका मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए, तो ये मैथ्स के क्वेश्चंस और ये अंडरलाइन पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों कर रखी है मैंने, बस कर रखी है। मज़ा आ रहा था, मतलब पहले इंपॉर्टेंट करा था कि सी चले कौन से हैं, उसके चक्कर में सारे कलर कर डाले। फिर मैंने ये बुक है मेरे पास, मतलब जिसमें सीजल के पेपर्स दे रखे हैं, प्रीवियस पेपर्स मतलब 2023 के, प्री के मतलब टीयर वन टीयर टू दोनों, तो वो एनालिसिस मतलब देख रहा था मैं और सॉल्व भी कर रहा था। फिर शाम का टाइम हो चुका था और मेरा टाइम हो गया था जिम का, तो अब वर्कआउट के लिए मैं घर से जा रहा हूँ जिम के लिए। और फिर भाई मैंने प्री वर्कआउट लिया अपना, मतलब प्री वर्कआउट मील, और मैं जिम के लिए जा रहा हूँ, और भाई ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने बज गए, और आज ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, शायद 6:30 ही हो रहे थे, और ऐसा लग रहा पता नहीं कितना अंधेरा हो गया। फिर वहाँ से वर्कआउट करके घर आया, तो ये कार दिखी, इसमें भाई मान के चलो कम से कम 10 बंदे तो बैठे हैं वैगनार में, इतने बंदे बैठे हुए थे इसमें। फिर जैसे घर आया तो हमारा जिम्मी हमारे ऊपर चढ़ गया, पता नहीं किस चीज़ की खुशी हो रही थी इसको, खुशी तो मुझे होनी चाहिए, वही कल मैं जा रहा हूँ और उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। फिर भाई मैं इसका थोड़ा बहुत खेला, फिर मैंने खाना खाया, फिर पता चला कि वो इसलिए खुश हो रही थी, घर में बना है नॉन वेज और मेरे लिए बना है पनीर। तो फिर खाना वाना खाया और अपनी पैकिंग कंप्लीट करी, क्योंकि कल मुझे राजस्थान जाना है, और व्लॉग थोड़े दिनों में आएंगे। तो यही था आज का व्लॉग, गुड नाइट, बाय।